बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट उमर जब्बार। मैं आपको अपने YouTube चैनल रियल स्टडी पर खुश आमदीद कहता हूँ। तो जो जो उम्मीदवार BS यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकंड एनुअल एग्ज़ाम देने के बाद रिजल्ट्स के इंतज़ार में थे, तो उनके लिए बहुत ही बड़ी मैं खुशखबरी लेकर आया हूँ कि रिज़ल्ट BS यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकंड आ चुका है। तो आप कैसे ऑनलाइन चेक करेंगे, कैसे उसका स्टेटस चेक करेंगे, कैसे उसकी PDF डाउनलोड करेंगे, तो मैं आपको आज की इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ कि आप कैसे रिज़ल्ट चेक करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो भी आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो मैंने आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करते हैं आपके पास ये पोस्ट ओपन हो जाती है, मालाकंड यूनिवर्सिटी BS रिज़ल्ट 2021 चेक ऑनलाइन। तो दोस्तों, ये बेसिकली हमारी realstudy.pk ऑफिशियल वेबसाइट की पोस्ट है जिस पर आप आकर अपना BS का रिज़ल्ट मालूम कर सकते हैं। तो आर्टिकल में हमने आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी है मालाकंड यूनिवर्सिटी के रिलेटेड, उसके बाद BS रिज़ल्ट के रिलेटेड, इसमें कौन से आंसर कीज थे, और उसके बाद हम अपनी ऑफिशियल वेबसाइट realstudy.pk पर और ऑफिशियल चैनल realstudy पर हम आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट्स देते रहते हैं एडमिशन्स के बारे में, स्कॉलरशिप्स के बारे में, जॉब्स के बारे में और मेरिट लिस्ट के बारे में। तो दोस्तों, नीचे आने पर हमारे पास बटन शो होता है क्लिक हेयर टू चेक BS रिज़ल्ट। तो दोस्तों, आप हमारी इस पोस्ट पर जैसे ही आते हैं तो आप इस बटन को प्रेस करेंगे, तो हम जैसे ही इस बटन को प्रेस करते हैं तो हमारे पास एक न्यू पेज ओपन हो जाता है एग्जामिनेशन सेक्शन यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकंड का। तो सबसे पहले तो आप यहाँ से अपना डिसिप्लिन वाइज रिज़ल्ट, जो आपका प्रोग्राम होगा दोस्तों, जैसे आप BS का रिज़ल्ट मालूम करना चाहते हैं तो उसमें आपका कौन सा सेमेस्टर है, सेमेस्टर मतलब फॉर एग्जांपल फोर्थ ईयर है एंड BBA फर्स्ट ईयर, या फर्स्ट सेमेस्टर है आपका, या सेकंड सेमेस्टर, या थर्ड है, फोर्थ है, जो भी आपका सेमेस्टर होगा आप यहां से सेमेस्टर सेलेक्ट करेंगे और अपना प्रोग्राम और सेमेस्टर सेलेक्ट करेंगे। तो उसके बाद आ जाते हैं सर्च बाई नेम। तो अगर आपको रोल नंबर भूल चुका है, आपको रोल नंबर आपका नहीं मिल रहा, या फिर आपके पास रोल नंबर सेव नहीं था या सेव था आपसे कहीं चला गया है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं। आप यहां से अपना रिज़ल्ट बाई नेम भी सर्च कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास अपना रोल नंबर है तो आप फर्स्ट बॉक्स में आते हैं सर्च बाई रोल नंबर। तो यहाँ मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कर दिखा रहा हूँ, जैसे 652 फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख रहा हूँ कि 652 मेरा रोल नंबर है। आप यहाँ पे इसी तरह अपना रोल नंबर लिखने के बाद सर्च के बटन को प्रेस करेंगे और आपके सामने आपका रिज़ल्ट शो हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है रिज़ल्ट चेक करने में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपकी भरपूर मदद करने की कोशिश करूँगा और आपके कमेंट का रिप्लाई दूँगा। तो अगर दोस्तों आपको आज वाली वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप भी वक्तन बवक्तन अपडेट्स लेते रहें, इंफॉर्मेशन आपको वक्त पर मिलती रहे। तो अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।